नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस, ईद उल अजहा व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वहां पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी व अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है DCF चौक, रामकोला रोड, कप्तानगंज, कुशीनगर। मोबाइल नंबर 9628068142। प्रोपराइटर मनोज कुमार यादव। तोई की विभिन्न बाजार में मिलावटी सरसों का तेल धड़ल्ले से बिक रहा है। बेचे जा रहे सरसों तेल में सेहत के लिए जानलेवा स्तर तक खतरनाक सामग्री प्रयोग की जा रही है, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही दुकानों पर शाहबाद में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक तेल विक्रेता व एक मिठाई विक्रेता का सैंपल भरा। हालांकि छापेमारी से हड़कंप मच गया और दुकानदार दुकानें बंद कर भाग निकले। शाहबाद में मिलावटी खाद्य तेल के इस खेल में धंधेबाज ब्रांडेड उत्पाद से मिलते जुलते नाम के रैपर तैयार कर असली की आड़ में नकली व मिलावटी रिफाइंड व सरसों तेल खपा कर आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसके लिए टिन पर ब्रांडेड सप्लायर के नाम से मिलते जुलते नाम वाले स्टिकर चस्पा कर फुटकर दुकानदारों से लेकर आम उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है। कानूनी दांवपेच से बचने को इन स्टिकर पर काफी छोटे व जल्दी पढ़ने में न आने वाले अक्षरों में ब्लेंडेड ऑयल को स्टाइलिश लेटर में दर्ज कराया जाता है, ताकि पकड़ होने पर बचा जा सके। हालांकि जानकारी मिलने पर शाहबाद में खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी AS गंगवार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया और तेल कारोबारी अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। हालांकि टीम ने यहां दो दुकानों से नमूना भर लिया है। एक सैंपल मिठाई का लिया गया और दूसरा सैंपल तेल का। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद जो सामने आएगा उस पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार पर आम जन को साफ सुथरा खाने को मिले, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खाद्य पदार्थों के अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आज शाहबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा दो जगह छापे डाले गए, जिसमें एक जगह रिफाइंड सोयाबीन तेल और दूसरी जगह मिश्रित दूध का नमूना संग्रहित किया गया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।